हेलो बच्चों, तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहता है। प्यारे बच्चों, तो इसमें कहता है कि हाइड्रोजन एटम है, सबसे सिंपल और सबसे अच्छा हाइड्रोजन ही है। बाइंडिंग एनर्जी किसी ऑर्बिट की दिया हुआ है 0.85, ठीक है। 0.85 क्या है? किसी ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी, उतनी एनर्जी उसको फ्री करने के लिए चाहिए, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में, वहाँ से एक ट्रांजिशन किया है, ठीक है। और ट्रांजिशन कहाँ ट्रांजिशन किया है, मतलब जंप किया है, और वो एक्साइटेड एनर्जी लेवल, अब ये जिस एक्साइटेड एनर्जी लेवल 10.2 में चला गया है, समझना। तो आइडेंटिफाई द क्वांटम नंबर ऑफ अपर एंड लोअर एनर्जी लेवल इन द मतलब इसे ट्रांजिशन में। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हम सबको पहले से ही याद है, और ये मैं बना लेता हूँ, आपको पहले भी याद होगा। इसकी एनर्जी लेवल 13.6 एन इज इक्वल टू 1, और ये है -3.4 एन इज इक्वल टू 2, और ये है -1.5 एन इज इक्वल टू 3, और ये है -0.85 एन इज इक्वल टू 4। तो अब ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन था कहाँ पर, ये समझने की कोशिश करो। ये कि देखो, अगर आपको पहले से याद है ये एनर्जी लेवल, ये वाली एनर्जी लेवल पहले से याद है, तब तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर था, एन इज इक्वल टू 4 में था, एन इज इक्वल टू 4 में था, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी 0.85 है। तो 0.85 है तो इस वाले ऑर्बिट में था, एन इज इक्वल टू 4 में, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू 4 में था, और 10.2 जो है एक्साइटेशन एनर्जी, 10.2 एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है यार? एक्साइटेशन एनर्जी वह एनर्जी होती है जितना हम इलेक्ट्रॉन को दे दें और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। तो 10.2 कब होता है? 10.2 एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो इन दोनों के डिफरेंस का होता है, एन वन और एन टू। एन वन और एन टू के डिफरेंस का जो एनर्जी है डेल्टा ई, वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है, ठीक है। मेक ए ट्रांजिशन टू द स्टेट और जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 है, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कभी ग्राउंड स्टेट में है और 1 से 2 में चला जाता है, तो उसकी एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 की जरूरत हमें पड़ेगी, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये बात क्लियर है? चलो, तो ये तो लॉजिक, अगर ये एनर्जी लेवल याद है तो अब ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ से कहाँ जंपिंग हुई है। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है ना, 4 में, और 4 से वो सीधा जंप मारा है किसमें? 2 में, ठीक है। तो अपर लेवल एन इज इक्वल टू 4 हो गया, और लोअर लेवल एन इज इक्वल टू 2 हो गया। ये इसका फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। अब मान लो, अब ये आपको किसी को याद नहीं है, तो सेकेंड मेथड ये है कि इसका बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, बाइंडिंग उस ऑर्बिट की एनर्जी जिसमें वो 8.85 है। तो अब एनर्जी के कॉन्सेप्ट से -13.6 हाइड्रोजन के लिए जेड इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0.85। यहाँ से मैं एन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा, तो यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू 16, तो एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये तो मेथड ये है, सेकेंड मेथड ये है कि आप एन इज इक्वल टू 4 में पता कर लो कि कहाँ पर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो और उसके बाद ये 10.2 का डिफरेंस आपको पता है कि इन दोनों के बीच का होता है, मतलब ए। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। अब कहता है फाइंड द वेवलेंथ इमिटेड। वेवलेंथ इमिटेड जब वो ट्रांजिशन किया है इलेक्ट्रॉन, कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन किया है? यहाँ पर था, पहले यहाँ पर था, एन इज इक्वल टू 4 से एन इज इक्वल टू 2 में जब जंप किया है, तो इस ट्रांजिशन में फोटोन बाहर आया होगा यार, ये अच्छा सा फोटोन बाहर आया होगा। इस फोटॉन की अपनी खुद की वेवलेंथ होगी, और इस वेवलेंथ की कैलकुलेशन हम लोग को करना है, फाइंड द वेवलेंथ। अब आसान है यार कैलकुलेशन करना, वेवलेंथ वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनर्जी डेल्टा एनर्जी इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एस सी अपॉन डेल्टा एनर्जी, और एनर्जी का डिफरेंस एस सी हम नैनोमीटर में निकाल रहे हैं, तो एस सी का वैल्यू 12 नंबर 402, और ये एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस इस ऑर्बिट की कितनी है? 0.85, और 2 की कितनी है? 3 पॉइंट। तो -0.85 और -3.4, तो ये फाइनली 12 नंबर 402
और ये माइनस कर लोगे तो 2.55, और फाइनली इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 487 नैनोमीटर में आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, नैनोमीटर। तो ये दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द पार्ट बी। तो ये पार्ट बी है और ये जो पार्ट ए था, ठीक है ना, तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन।